बच्चों आज हम मैथ्स में आपका न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 5 आपकी सीबीएसई ने वो काट दिया है आपके सिलेबस में से, वैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी नहीं था एंड दैट हैज बीन कट बाय द सीबीएसई। सो सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो चैप्टर 5 है वो सब नहीं आएगा। तो चैप्टर 6 इज एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। आज आप फाइनली ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी तक आपने जो किया एलजेब्रा वगैरह किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी किया, पर अब फाइनली ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हो। ज्योमेट्री लाइंस एंगल्स पॉइंट्स रेज, ठीक है, ये सब आप पढ़ते हो। ऐसे चैप्टर की हेडिंग ही लाइंस एंड एंगल्स है, सो चैप्टर की हेडिंग बहुत ही सिंपल हेडिंग है, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। सो लाइंस यू नो, एंगल्स यू नो, ठीक है, ये चीजें आप बचपन से जान रहे हो। मेरे ख्याल से आप जब मेरे ख्याल से फिफ्थ सिक्स्थ में आए होंगे, एंगल्स फिफ्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ में एंगल्स वर्ड आपने सुन लिया होगा। सो ये जो बेसिक चीजें हैं एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होती हैं जो कि सेम लाइन में होती है। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होती हैं जो कि सेम लाइन में होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो कोलिनियर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, जो एक ही मतलब को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन। सो जो पॉइंट सेम लाइन पे लाए करती हैं, दोज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में सेम लाइन में वो पॉइंट्स नहीं होती हैं, दे आर मतलब कोई पॉइंट इधर होती है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ठीक है। सो ये नॉन कोलिनियर होती है। नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं होती हैं। को मीन्स सेम, लीनियर मीन्स लाइन, नो मीन्स नो, ठीक है। सो एक लाइन पे नहीं होती हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, फिर हमने एंगल्स पढ़े थे। एंगल्स बेसिक चीजें हम देख ले रहे हैं कि है क्या, ठीक है। फिर इस चैप्टर में तो बहुत कुछ है, प्रूव दैट है, अभी आप थ्योरम प्रूव करना सीखोगे, बहुत कुछ है, ठीक है। सो जो बेसिक चीजें पहले वो देख लेते हैं। एंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल्स। सो एंगल्स क्या होते हैं, दो रेस जो जिनको एक कॉमन वर्टेक्स है, दोज आर कॉल्ड एंगल्स, ठीक है। सो यहाँ देखिए, ये रेज या आर्म्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, आर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने नाम दिया ए बी सी, ठीक है। सो रे क्या है, इसमें रे क्या है, रे ए बी है, ए बी और बी सी। और कॉमन एंगल क्या है दोनों के बीच, एंगल बी, ठीक है, एंगल बी। इस एंगल का नाम कैसे पढ़ोगे आप, एंगल का नाम बी भी बोल सकते हो, ए बी सी भी बोल सकते हो, और ए बी सी। देखो जो रे है ना, रे का नाम टू वर्ड्स में लिखा जाता है, रे साइड्स लाइन सेगमेंट्स, इन सब का नाम टू वर्ड्स में लिखा जाता है। जैसे ये देखो, ठीक है, सो इनका नाम दो शब्दों में, दो जैसे अगर मैं लाइन बोल रही हूँ तो लाइन ए बी, लाइन बी सी, दो में लिखा जाता है। और एंगल्स का नाम वन में, सिंगल लेटर में या थ्री लेटर में लिखा जाता है, ऐसे सिंगल लेटर में, मतलब जिस एंगल की बात कर रहे हो आप वही एंगल लिखोगे, और अगर आप थ्री लेटर में एंगल लिख रहे हो तो वो जो मेन एंगल है ना वो सेंटर में आएगा। जैसे यहाँ बी है मेन एंगल, सो देखो बी सेंटर में आया, ठीक है। सो रे जो है वो टू अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, और एंगल है वो या तो सिंगल अल्फाबेट में लिखा जाता है या तो थ्री अल्फाबेट में। अगर थ्री अल्फाबेट में लिख रहे हो तो जो सेंटर में लिखते हो वही मेन एंगल होता है, ठीक है।
अभी यहाँ देखो आपकी एनसीईआरटी में एंगल्स मेजरमेंट के हिसाब से टोटल 5 तरह की हैं, ठीक है। अगर मैं एंगल्स की बात करूं, तो मेजरमेंट के हिसाब से माप के हिसाब से एंगल्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, टोटल 5 टाइप्स, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो माप के हिसाब के एंगल्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो कैसे 5 टाइप्स के होते हैं? सो यहाँ देखो, पहला होता है एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच में आता है। उसकी वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, ठीक है। फिर एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल, सो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है। उसके बाद है राइट एंगल, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है, ठीक है। ठीक है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। और जो ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है, ठीक है। ऑब्ट्यूज जिसकी 90 से ज्यादा होती है, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री टू 180, ठीक है। और ऑब्ट्यूज के बाद एक और एंगल होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू होती है 180 डिग्री साल, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। सो स्ट्रेट एंगल कंप्लीट एंगल होता है, 180 कंप्लीट तो नहीं, हाफ एंगल मतलब इतना, जैसे ये 90 है सो और 90, सो ये टोटल क्या हुआ? 180, ठीक है। स्ट्रेट एंगल के बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 180 से 360 के बीच में होती है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल वैल्यू किसके बीच में होती है? 180 से 360 के बीच में, ठीक है। सो 180 से 360 के बीच में कैसे होगी? मतलब जब ये वाला, जैसे ये मेरा एक एंगल है, ठीक है। सो अगर ये मेरा 45 है, सो ये मेरा कितना होगा? ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो ये कितना होगा? 360 माइनस 45, ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल, सो 360 में से 45 है, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 315, सो 315। तो देखो 180 से 360 के बीच में वैल्यू आ रही, ठीक है। सो इस तरह से ये सारे एंगल्स होते हैं, देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले है एक्यूट एंगल, दैट इज 0 से 90, एग्जैक्ट 90 इज राइट एंगल, और ऑब्ट्यूज होता है 90 से 180 के बीच में वैल्यू हो, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180, एंड रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है? आपको एक्यूट एंगल पता हो ना, सो आप 360 में से माइनस कर दो तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। जैसे अगर मेरे पास एक एक्यूट एंगल दिया हुआ है, जैसे ये एंगल मेरे पास दिया हुआ है 65, ठीक है, तो मुझे ये पता है, तो मैं रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालूंगी? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए रिफ्लेक्स मतलब ये, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? माइनस करेंगे,
ठीक है, सो 360 में से 65 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 5, 15, 15 में से 6 गया 9, 95, ठीक है। सो इस तरह से आप रिफ्लेक्स एंगल्स फाइंड कर सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 180 से 360, तो देखो 295 आया, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स जो आप इस चैप्टर में देखेंगे। देन आप और दो तरह के एंगल, फिर आपने दो और टाइप्स ऑफ एंगल्स भी सुने होंगे, ठीक है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अब इसके अलावा आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी नाम सुना होगा। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। सो दो तरह के एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दो एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हैविंग सम 90 डिग्री, टोटल 90 डिग्री हो। जैसे कि दो एंगल्स हैं, जैसे यहां मैंने 30 डिग्री लिखा और यहाँ मैंने लिखा 45 डिग्री। सो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? सो टोटल चेक करो। सो 30 प्लस 45 75। सो ये क्या है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो टू एंगल्स हैविंग टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री चाहिए, तो ये नहीं है। सो एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे होगा? एग्जैक्ट 90 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सेकंड, समझो मेरे पास एक 65 डिग्री है और फिर एक क्या है 25 डिग्री है, समझो। सो ये 25, सो 65 में 25 कितना होगा? 90। सो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब जब दो एंगल का टोटल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, सो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे कि 45 25 65 25। देन थर्ड इज 60 30, ठीक है। 60 प्लस 30 क्या होता है? वो भी 90 होता है। सो टू एंगल्स हैविंग टोटल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इवन अब हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री, ठीक है। सो टू एंगल्स हु सम इज 180 डिग्री, ठीक है, जिसका टोटल 180 डिग्री है। सो टोटल 180 डिग्री मींस अगर भाई फर्स्ट जैसे कि 100 डिग्री है, ठीक है, यहाँ देखो ये 100 डिग्री है, 100 है, और समझो ये 80 है, ठीक है, ये है 80। सो दिस इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। 100 और 80 मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद सेकंड देखो, अगर एक एंगल 125 डिग्री है, 125, ठीक है, और दूसरा है सपोज 55 है, 55, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो टोटल 180 है, तो देखो 100 प्लस 80 180 है, 125 प्लस 55 180 है, ठीक है।
सो इस तरह से जब दो एंगल्स का टोटल, पहले तो दो एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, और दो एंगल्स का टोटल अगर 180 होता है तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, सो दीज वर द कॉमन थिंग्स अबाउट एंगल्स, कि एंगल्स किस किस तरह के होते हैं. अभी और आगे हम पढ़ेंगे बहुत जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ये तो बहुत बेसिक चीज थी जो मेरे ख्याल से आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, सो लोअर ग्रेड्स में पढ़ के आए आप ऐसी चीजें. नाउ वी विल मूव फर्दर और हम कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे, एंगल्स ही देखेंगे, और भी कौन कौन से एंगल्स होते हैं जो हमें इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे. अब मेन ज्यादा एंगल्स पढ़ रहे हैं, और भी एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये वाले इम्पोर्टेंट हैं. ये अभी मतलब आपका जो लेवल है स्टैंडर्ड 9th है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है. अभी तक जो भी देखा वो सब देखे हुए एंगल्स थे, सब आपको पता था. ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल. ठीक है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, पड़ोस वाले एंगल. कैसे, जैसे देखो यहाँ मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, जैसे ये. ठीक है, सो ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया और मैं यहाँ नाम दे रही हूँ. ठीक है, सो ए बी सी और यहाँ डी. ठीक है, ए बी सी और यहाँ डी. तो अब एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट मतलब पड़ोस में. ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनका जो आर्म है वो कॉमन होता है, जो रे है वो कॉमन होती है. सो यहाँ देखो ये जो रे है बीडी कॉमन होगी दोनों में, क्या होगी, कॉमन. सो कैसे नाम लिखेंगे, ए बी 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 सी. ठीक है, सो ए बी डी एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, सो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका आर्म कॉमन होता है. आर्म मतलब रे कॉमन होती है, दोज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका आर्म परपेंडिकुलर होता है, टी बनाते हैं. जैसे यहाँ देखो इस तरह से. ठीक है, सो ये है ए बी सी डी. सो यहाँ देखो ये टी बन रहा है, तो ए बी टी और ए बी सी, ये क्या है, लीनियर. इसके अलावा अगर ऐसा टी बना रहे हैं जैसे इस तरह से, तो ये भी लीनियर पेयर है. जैसे यहाँ मैंने नाम दिया पी क्यू आर एस. ठीक है, सो नाम कैसे लेंगे, पी क्यू आर पी क्यू एस. ठीक है, सो पी क्यू आर एंड पी क्यू एस आर लीनियर एंगल्स. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. सपोज इस तरह से बना रहे हैं, सो ये भी एक टी हुआ. ठीक है, यहाँ पे भी जैसे यू वी W X, तो नाम कैसे दोगे, एंगल U B X एंड X B W. ठीक है, सो किस तरह से होगा,
यू बी एक्स एक्स बी डब्ल्यू, ठीक है। सो ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर। इन शॉर्ट जब टी बनता है, किसी भी तरह का टी बनता है, सो दोज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे अभी आप पढ़ोगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कंपल्सरी सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन एंगल्स का टोटल 180 होता है। आप ये आगे थ्योरम में पढ़ोगे, पर मैं आपको ये बात पहले ही बता देती हूँ, जो लीनियर एंगल्स का टोटल होता है वो 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं एकदम। ये वाली बात तो अपने दिमाग में एकदम फिक्स फिट बिठा लो, ये बहुत काम आएगी इस चैप्टर में, ठीक है। कि दो एंगल्स का टोटल 180 होता है लीनियर पेयर का, दो लीनियर पेयर का, जैसे ये एंगल ए बी डी है प्लस एंगल ए बी सी है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का टोटल 180 होता है, आपने पढ़ा था ना अभी मैंने, इसलिए आपको सिंपल वाले एंगल भी बता दिए थे। सो मैंने अभी अभी बताया था कि भाई 180 डिग्री होता है। सो यहाँ देखो, देखो ये वाला एंगल और ये, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन हुई ना, तो टोटल क्या हो गया 180। सेम यहाँ पे देखो, ये देखो पी क्यू आर और पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये भी 180 हुआ। सो देखो यहाँ पे पी क्यू आर है और यहाँ पे है पी क्यू एस, तो देखो स्ट्रेट लाइन है तो टोटल क्या होगा 180, ठीक है। इसके बाद सेम यहाँ पे है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन क्या हुई, सो एंगल यू बी एक्स प्लस एक्स बी डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इस तरह से मतलब देखो स्ट्रेट लाइन बनी ना। सो कैसे भी बने, चारों साइड्स में अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, सो दिस मीन्स उनका उसका टोटल 180। सो लीनियर पेयर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी जो ऑपोजिट आर्म्स होती है, ये ऑपोजिट आर्म्स होती हैं, वो एकदम देखो ऑपोजिट होती है, एकदम देखो ऑपोजिट है। सो यहाँ पे भी देखो ये आर्म्स ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये आर्म्स ऑपोजिट है, ठीक है। सो लीनियर पेयर का मतलब होता है वो एंगल्स जो कि टी बनाते हैं, टोटल 180 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये शब्द आएगा, घड़ी घड़ी आएगा, ठीक है। इसके बाद है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वर्टिकली, पहला था हमारा एडजेसेंट, सेकेंड इज दिस, थर्ड है हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो थर्ड वन इज वर्टिकली, इसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये और ये लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर, इसका नाम एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट पड़ोसी एंगल्स, ठीक है। अच्छा, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, जैसे कि जैसे ये, ठीक है। अब ये दो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो ये लाइन है, ये एक लाइन और ये है दूसरी लाइन, ठीक है। सो अभी यहाँ देखो, मैं अलग मार्कर यूज कर रही हूँ कि आपको पता लगे। सो ये लाइन है, इस लाइन का नाम है ए बी, ये है ए, ये है बी, ठीक है। और दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का नाम है सी डी, ठीक है। सो ये लाइन है सी डी। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट का मतलब काटना, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सपोज इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट ओ, ठीक है। सो अगर वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब इफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, सो जो उनके देखो टोटल कितने एंगल्स बने, बताओ कितने बने। सो यहाँ देखो ये एक एंगल बनेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, टोटल चार एंगल्स बनेंगे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हों, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला, ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो नाम क्या लिखोगे, एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी,
आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. फिर नेक्स्ट है, जैसे ये ए ओ डी सी ओ बी. ठीक है, सो ए ओ डी एंड सी ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो इस तरह से, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइन से बनते हैं, ए ओ सी और बी ओ डी, और ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो फिर अभी हम आगे पढ़ रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ एंगल्स हैं. ठीक है, और भी पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, ये बहुत ही कॉमन पेयर ऑफ एंगल्स थे. ठीक है, सो सबसे पहले तो हमने लीनियर पेयर पढ़ लिया. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो होते हैं कि भाई जब 180 डिग्री टोटल होता है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं. ठीक है, सो इसके बाद, अच्छा अभी हमने जो ये पढ़ा, तो हमने जो ये अभी पढ़ा इसके बेसिस पे अभी हम एक थ्योरम करते हैं. थ्योरम क्या होता है? थ्योरम आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और आपको वो प्रूव करना होता है. ठीक है, थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जो आपको प्रूव करना होता है. जैसे कि मैं बोलूं कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, वो चीज मुझे प्रूव करनी है. सो गिवन दिया हुआ है, मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, मुझे प्रूव करना है. ठीक है, सो मुझे प्रूव करना है कि मैं टीचर हूं, तो मैं क्या करूंगी भाई? मेरे पास सिक्स वाले आते हैं, मेरे पास सेवन्थ वाले आते हैं, मेरे पास एट्थ वाले आते हैं, नाइन्थ वाले आते हैं, टेंथ वाले आते हैं. क्यों आते हैं? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एसएस पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं टीचर हूँ. ठीक है, मैंने खुद को, मतलब मैंने वो स्टेटमेंट प्रूव किया कि मैं टीचर हूँ. मैंने क्या करके प्रूव किया? कि मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चे क्या करने आते हैं? पढ़ने आते हैं, तो इसलिए मैं टीचर हूँ. सो इस तरह से मैंने प्रूव किया. सो मैथ्स में भी ऐसे थ्योरम होते हैं, आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, आपको तर्क देने होते हैं, आपको मतलब चीजें बोलनी होती है भाई क्यों. सो वो सब बोल के लास्ट में आप फाइनली वो चीज प्रूव करते हो. थ्योरम्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड नाइन्थ और स्टैंडर्ड टेंथ के मैथ्स का. थ्योरम्स बहुत आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं. थ्योरम का वेटेज मेरे ख्याल से 8 से 10 मार्क का रहता है, 8 मार्क का मान के चलो टोटल पेपर में. सो थ्योरम्स में आपको याद करना होता है और कुछ नहीं होता, याद समझो और याद करो. सो हम अब सबसे पहला थ्योरम कर रहे हैं आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड का, ज्योमेट्री का फर्स्ट थ्योरम हम कर रहे हैं. थ्योरम 6.1 पेज नंबर 94 पे मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगी. थ्योरम में सिंपल एक स्टेटमेंट दिया होता है और वो सारा आपको प्रूव करना होता है कि भाई ये चीज ऐसे क्यों है, वो प्रूव करो. ठीक है, सो वी आर नाउ गोइंग टू डू अ थ्योरम. बच्चों इस चैप्टर का पहला थ्योरम, थ्योरम 6.1, ऐसे इस चैप्टर में थ्योरम्स तो आप 2-3 पढ़ोगे, पर प्रूव दैट बहुत सारे हैं. ठीक है, सो पूरा चैप्टर प्रूव दैट का ही आपको प्रूव ही करना है. ठीक है, सो थ्योरम 6.1 क्या बोलता है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. क्या बोलता है थ्योरम 6.1? कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. इंटरसेक्ट करती हैं, हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, पर ये थ्योरम क्या बोलता है? प्रूव करो कि वो इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, वैसा प्रूव करो. तो देखो कभी भी थ्योरम प्रूव करना हो ना, तो उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, थ्योरम में से स्टेटमेंट देते हैं, आपको स्टेटमेंट को नाम देना पड़ता है. ठीक है, सो आपको इस थ्योरम में क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेटमेंट को नाम देना पड़ेगा. सो कैसे नाम देंगे आप? सो यहाँ देखो, जैसे यहाँ इसकी फिगर बनाओ. फिगर कैसे बनाएंगे? सो यहाँ फिगर पहले, सबसे पहला स्टेप, ये थ्योरम आपको स्कूल में सिर्फ ऐसे दो लाइनें दे देंगे. ठीक है, प्रूव दैट ऐसे करके दो लाइनें दे देंगे कि प्रूव दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, सो ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे. अब सारा काम आपका है, सब कुछ आपको करना है, फिगर बनानी है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, प्रूफ लिखना है, चार काम करने हैं. थ्योरम करने के लिए ये चार काम.
पहले पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर में क्या बोला, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर बनाओ। ठीक है, अच्छा दोनों लाइन के नाम क्या है, ए बी और सी डी नाम दो, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। दो लाइन इंटरसेक्ट करती है ओ पे, ठीक है। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है। सो गिवन है टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सो ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ओ। सो गिवन लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एट ओ। आर टू लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, इंटरसेक्टिंग एट ओ। टू प्रूफ, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं जो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो टू आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल्स क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप लिखोगे सो अच्छा यहाँ गिवन में थोड़ा और भी लिख सकते हो क्या, कि एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट ये सारा गिवन है, गिवन क्या होता है, जो दिया हुआ है। आप कहोगे कि दो लाइनों में इतना सारा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। देखो आप मेरी नजर से देखो, टू लाइंस तो देखो दो लाइंस, इंटरसेक्ट तो देखो इंटरसेक्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सब दिया ही हुआ है ना। हम खाली क्या कर रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, हम नाम दे रहे हैं, सब दिया हुआ है आपको, मतलब इन्होंने सिंपल स्टेटमेंट दिया है, मैं नाम दे रही हूँ, फिगर बना रही हूँ, ठीक है। सो आई एम गिविंग नेम्स ऑनली। सो फर्स्ट पेयर क्या है, फर्स्ट पेयर इज ए ओ डी, सो फर्स्ट पेयर इज ए ओ सी एंड बी ओ डी, और सेकेंड पेयर क्या है, ए ओ सी, देखो फर्स्ट पेयर क्या है, ए ओ सी बी ओ डी, ठीक है, और दूसरी पेयर क्या है, ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है, ए ओ डी और बी ओ सी, ठीक है, ए ओ डी और बी ओ सी, सो ए ओ डी बी ओ सी, ठीक है। सो इस तरह से दो पेयर हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। सो ये वाला एंगल भी इक्वल प्रूफ करना है और दूसरा वाला भी आपको इक्वल प्रूफ करना है। सो टू प्रूफ, एंगल एओसी बीओडी, एओडी बीओसी, ठीक है, देखो एओसी और बीओडी, एओडी और बीओसी, ठीक है, एओसी बीओडी, सो एओसी बीओडी, ठीक है, फिर एओडी बीओसी, एओडी बीओसी, ठीक है। सो ये है इक्वल, एओसी इज इक्वल टू बीओडी, एओडी इज इक्वल टू बीओसी, ठीक है। सो दिस इज टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करेंगे, अब प्रूफ में स्टार्ट लें, प्रूफ आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। फिर प्रूफ,
अब प्रूफ कैसे स्टार्ट लेंगे, अब कुछ प्रूफ में कुछ करना पड़ेगा कि भाई प्रूफ कर आपको ये इक्वल प्रूफ करना है। सो प्रूफ कैसे स्टार्ट लोगे, सो प्रूफ में स्टार्ट करोगे रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, रे ओ ए, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। देखो ये जो रे ओ ए है, ठीक है, इतना देखो, ये भूल जाओ। सो जो ये रे ओ ए है, ये ओ ए रे है, वो लाइन सी डी पे खड़ी है, ठीक है, वो लाइन सी डी पे खड़ी है, ठीक है, ये सी और ये डी, ठीक है, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ठीक है। सो ओ ए स्टैंड्स ऑन सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओ ए सी डी पे खड़ी है इसका मतलब क्या हुआ, इसका टोटल क्या होगा 180। ये कहाँ से आया, लीनियर पेयर, ठीक है, हमने पढ़ा था ना लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है 180। सो लीनियर पेयर एक्सियम लिखेंगे, ए एक्स आई ओ एम, एक्सियम का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम, एक्सियम लिखेंगे, एक्सियम का मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। सो यहाँ देखो, ये देखो ये वाली फिगर है ना, देखो मैंने इसको ऐसे, सो क्या बनेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180। सो देयर फोर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एक्सियम। एक्सियम का मतलब रिजल्ट होता है भाई, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कि अगर ऐसे कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उसका टोटल 180 होगा। सो यहाँ देखो AOC, AOD, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है, ऐसे आपको अलग से नहीं बनाना है, मैंने खाली आपको बताया कि ये कैसे हुआ, ठीक है, ये नहीं बनाना। देखो दिख रहा है ना, AOC, AOD is equal to 180, ठीक है। सो इस वाले को, ये वाला जो आपको आया ना, इसको बंद दे दो, इसको क्या दे देंगे 1, ठीक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो फिर रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन सी, इसके बाद एक और रे है, सिमिलरली ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ठीक है, फिर यहाँ लिखोगे ए ओ डी, सिमिलरली ओ डी, सिमिलरली ओ डी, रे ओ डी, रे ओ डी किस पे खड़ी है, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी। देखो अब ये वाला भी देखो, रे ओ डी, देखो रे ओ डी स्टैंड्स ऑन ए बी, सो क्या बनेगा, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ठीक है। सो देयर फोर ए ओ डी प्लस बी ओ डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। इसमें भी क्या रीजन लिखोगे, वही बिकॉज लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर की रिजल्ट क्या बोलती है कि दोनों एंगल्स का टोटल 180 होता है अगर वो लीनियर पेयर है, तो बिकॉज लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, सेकंड, अच्छा अब इसके ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, देखो AOC AOD 180 के बराबर है, AOD BOD 180 के बराबर है, सो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे ना। देखो अगर मेरे पास 6 चॉकलेट्स हैं, मेरे भाई के पास भी 6 चॉकलेट्स हैं, तो हम दोनों के पास क्या होंगे, इक्वल चॉकलेट्स, इक्वल की साइन लगेगी ना, मेरे चॉकलेट्स इज इक्वल टू मेरे ब्रदर के चॉकलेट्स, हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो उसी तरह से अगर AOC AOD 180 है,
एओडी बीओडी भी 180 है, सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल. सो देयरफॉर बाय 1 एंड 2 एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू, एओसी एओडी किसके बराबर होगा, एओडी और बीओडी के. या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसमें भी 180 है, इसमें भी 180 है, दोनों 180 180 कैंसिल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल. ठीक है, आप जैसे समझना चाहो. अच्छा अब देखो, अगर हमने जब हम छोटे थे, हम मतलब इतने ज्यादा छोटे, मैं 7th 8th में आपने सीखा था कि अगर आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो, जैसे यहाँ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, सो हम क्या करते थे, इक्वल टू के इस साइड सेम है ना, तो हम काट देते थे, कट जाता है ना. इक्वल टू के दोनों साइड अगर कोई नंबर होता है तो वो क्या हो जाता है, कट. सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ इक्वल टू के दोनों साइड देखो, यहाँ इक्वल टू के इस साइड एओडी है और इक्वल टू के इस साइड भी एओडी है, सो हम क्या कर देंगे, कट. क्यों, क्योंकि दोनों सेम है. सो मैं यहाँ एओडी एओडी काट दूंगी. ठीक है, सो यहाँ मैंने ये एओडी और एओडी काट दिया. ठीक है, सो मैंने काट दिया तो रहा क्या, सो देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी. तो देखो यही तो चाहिए था, मिल गया. ठीक है, यहाँ मैं लाइन बना के लिखती हूँ. ठीक है, देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी. जो चाहिए था वो तो हमें मिल गया, देखो पहला तो मिल गया, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी. ठीक है, सो सिमिलरली आप ऐसा मेथड करके ये भी प्रूव कर सकते हो. ऐसे ही आप यही मेथड करोगे दूसरे के लिए, जैसे यहाँ आपने क्या लिया, यहाँ आपने लिया एओसी एओडी फिर एओडी डीओबी. तो अभी ये प्रूव करने के लिए क्या लोगे, ये प्रूव करने के लिए डीओबी डीओडी बीओसी सीओए ऐसे लोगे. ठीक है, पर वो सब फिर से करने की जरूरत नहीं है, आपने एक प्रूफ किया ना, आप लिखोगे सिमिलरली. सिमिलरली मतलब ठीक ऐसे ही हम दूसरा वाला रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं, करने की कोई जरूरत नहीं है. सिमिलरली आपने देखो एक तो प्रूव कर लिया ना, ये देखो एक तो प्रूव कर लिया. सिमिलरली एंगल AOD is equal to BOC can be proved. By ऐसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं. और फाइनली hence proved. आपने प्रूव कर दिया ना, hence proved. ठीक है, अगर थ्योरम है hence proved, भाई हमने प्रूव कर दिया. ठीक है, सो थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, वो सच्चा स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट में आपको प्रूव करना पड़ता है कि वो हाँ सच में सच्चा है. वो स्टेटमेंट सच्चा ही होता है पर आपको अपने तर्क देके उसको प्रूव करना होता है, तो उसमें आपको सब कुछ करना पड़ता है. आपको एग्जाम में सिंपल ऐसे ये दो स्टेटमेंट्स ये लिखा हुआ आता है. ठीक है, ये 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स. ठीक है, और 9th 10th ज्योमेट्री में थ्योरम्स टोटल 8 मार्क्स के आते हैं. टोटल जो थ्योरम्स होते हैं ज्योमेट्री में टोटल 8 मार्क्स के आते हैं. सो ये हमने सबसे पहला थ्योरम किया आपकी ज्योमेट्री 9th का. सो दो ऐसे लाइनें दी होती हैं, ये सब आपको करना है. आपको फिगर बनानी है, फिगर के बिना तो चले ही नहीं, फिगर के बिना तो चलता ही नहीं है. सो ड्रॉ फिगर मतलब बिना भूले आपको फिगर बनानी है. फिगर बनानी है, फिर गिवन लिखा, फिर टू प्रूफ लिखा और प्रूफ. ठीक है, सो ये आपका मैंने जो था थ्योरम 6.1 हमने किया. और ये वाला जो थ्योरम है आपको मैंने 1 टाइम कराया, आपको ऐसा का ऐसा 2 टाइम और होमवर्क में करना है. ठीक है, होमवर्क में 2 टाइम्स, सो टोटल होगा 3 टाइम्स. ठीक है, इस चैप्टर में थ्योरम्स थोड़े से ही हैं, प्रूफ दैट तो बहुत सारे हैं, पर थ्योरम, ये थ्योरम 6.1 ये पहला थ्योरम है. सो आपको और भी थ्योरम देखने मिलेंगे. सो ये 3 बारी लिखना है, ये थ्योरम आता है ऐसे एग्जाम में, मैंने खुद ने देखा है, पेपर्स में कई बार पूछा जाता है. ठीक है, सो ये अच्छे से करना. ठीक है, मैं इसलिए 3 बारी लिखने बोल रही हूँ. आपको जितना भी आज कराया वो सारा बहुत अच्छे से करिएगा,
जो भी मैंने पढ़ाया वो सब अच्छे से लिखिएगा और सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.